हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? वेलकम टू एक्सलेंस एजुकेशन एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड यू अ बेटर लर्निंग। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलते हैं, अपनी पहली वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। ठीक है, क्या बोला है कि हमारे पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करेंगे फिर उनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 365 मिलेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब बात आती है कंसेक्यूटिव की कि ये होता क्या है। तो कंसेक्यूटिव देखो क्या होता है ना, लगातार। ठीक है, एक के बाद एक। जैसे अगर नंबर, हमें यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर की बात की है तो वन है ना, वन के बाद क्या आता है? टू। तो वन का कंसेक्यूटिव क्या है? टू है। ठीक है, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, या टू और थ्री, टू और थ्री, तो दोनों क्या हो गए? कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, थ्री फोर। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव कहलाते हैं, एक के बाद जस्ट दूसरा नंबर आना चाहिए हमारे पास। चलिए यहां पे नंबर कंसीडर कर लेते हैं, देन लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर क्या माना? एक्स माना, तो सेकेंड नंबर कितना होगा? एक्स प्लस वन होगा क्या? क्योंकि देखो अभी हमने बात किया वन का कंसेक्यूटिव टू, तो टू कब आएगा? जब वन में वन प्लस करेंगे तब टू आएगा ना, या टू का कंसेक्यूटिव थ्री, तो थ्री कब आएगा? जब टू में वन प्लस करेंगे, तो एक्स में वन प्लस करेंगे तब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो नंबर्स हमारे पास है उनका क्या करो, पहले स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद उनका सम करो, तो कितना मिलना चाहिए? 365 मिलना चाहिए, यही बोला था। चलो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 365, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। क्या बन गई हमारे पास? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके सीखे हुए हमने, फैक्टराइजेशन है ना, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सबसे आसान लगे, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। देखो फैक्टराइजेशन जब अपन करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? x प्लस 14 इक्वल 0। पूरा x प्लस 14 कॉमन लेते हैं, क्या बचेने वाला है ना? x माइनस 13 इक्वल 0। x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखो और x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 14, और x की वैल्यू क्या आएगी? 13। अब देखो x की दो वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू हम ले? तो क्वेश्चन देखो क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें कैसा इंटीजर लेना है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। तो इसको तो हम क्या कर देंगे ना, नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या माना था हमने? x, और x की वैल्यू कितनी है? 13। और जो सेकेंड नंबर है वो क्या था? x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 14। तो ये हमने दोनों जो नंबर्स फाइंड आउट करने थे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो नंबर्स क्या आए हैं? 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम है ना, एंड 3
टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर. क्या बोला है, एक टू डिजिट का नंबर है जो कि क्या है, फोर टाइम्स है. किसके, द सम ऑफ इट्स डिजिट, फोर टाइम्स सम ऑफ इट डिजिट. एंड वही टू डिजिट का नंबर जो है फिर से थ्री टाइम्स है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. चलिए अपन डिजिट कंसिडर करते हैं यहां पे. लेट द टेंस डिजिट, ठीक है, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी वाई. ठीक है, आप यूनिट डिजिट भी कह सकते हो, यूनिट डिजिट भी वाई. तो यहां देखिए, देन नंबर फॉर्म्ड, ठीक है, देन नंबर फॉर्म्ड. नंबर जो बनेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, टेंस डिजिट है, दैट मीन्स 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10x, और वंस डिजिट है दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस y. ये हमारे पास क्या बन गया ना, नंबर बन गया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोला उसने. देखो पहला कि जो हमारे पास नंबर है, क्या नंबर है हमारा, 10x प्लस y, वो कितना है, 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स है किसका, सम का. किसका सम, डिजिट्स का सम. तो डिजिट्स क्या है, एक्स और वाई. तो दोनों डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स क्या है, नंबर है. इसको सॉल्व करके अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं. चलिए बनाते हैं, 10x प्लस वाई इक्वल 4x प्लस 4y. तो क्या होगा ना, 10x माइनस 4x इक्वल 4y माइनस वाई. तो यहाँ पे हुआ 6x इक्वल 3y. 3 से 6 कटा 2 टाइम्स, देन 2x इज इक्वल y. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं. तो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्या बोला उसने कि फिर से जो नंबर है नंबर क्या है, अगेन 10x प्लस y, वो नंबर कितना है, थ्री टाइम्स है. किसका, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स के प्रोडक्ट का. तो x इंटू वाई हो गया हमारे पास. तो यहां पे देखिए, 10x प्लस y, ठीक है, इक्वल 3xy. ये हमारे पास हुआ. यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं अपन यहां पे, ठीक है. अब इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू कितनी है ना, 2x है. तो हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है. y की वैल्यू उठा के कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में रख रहे हैं. देखिए अब क्या बनता है, 10x, y की जगह क्या रखना है ना, 2x प्लस 2x इक्वल 3x, और y की जगह 2x, ठीक है. 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 12x इक्वल 3 इंटू 2 6x स्क्वायर. अब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अपन x से x कैंसिल आउट कर दें, वो नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे. तो ये क्या होगा ना, 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल 0. जब भी ऐसा कुछ होना तो हमें x से x कैंसिल आउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखो x की पावर 2 है. दैट मीन्स यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलने वाली है. और अगर आप x से अगर एक x कैंसिल आउट कर दोगे तो एक ही x बचेगा, तब आपके पास x की सिंगल वैल्यू मिलेगी, तो आप कैंसिल आउट नहीं करोगे. चलिए यहाँ पे अपन क्या कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं 6x. क्या बचा यहाँ पे, 2x माइनस, ठीक है, सॉरी 6x कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल 0. तो अब क्या होगा, 6x इक्वल 0 एंड x माइनस 2 इक्वल 0. सो x इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल 2, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 आ गई. अब देखो दोनों में से कौन सी वाली वैल्यू ले. x देखो क्या कंसिडर किया था हमने, टेंस, है ना. x हमने क्या कंसिडर किया था ना, टेंस डिजिट कंसिडर किया था. अगर टेंस डिजिट 0 हो जाता है तो क्या नंबर 2 डिजिट का नंबर रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा 2 डिजिट का नंबर. क्योंकि देखो 12, ये हमारे पास क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, वंस टेंस. अब टेंस की जगह अगर 0 आ जाता तो फिर तो ये क्या कहलाता, सिर्फ 2 कहलाता ना, तब ये
टू डिजिट नंबर थोड़ी रहता, तो यहाँ पे हम जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो रहने पे, जीरो लेने पे क्या हो रहा है ना, हमारा नंबर टू डिजिट का नंबर नहीं बन रहा है। तो हमने जीरो को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्या बच्चा हमारे पास x इक्वल टू, तो x इक्वल टू है तो y की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल अगर टू है तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहां रख दो x अगर टू, तो टू इंटू टू फोर, ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। देन जो हमें नंबर चाहिए था, देयर फोर जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, देखो नंबर क्या था हमारे पास, 10x प्लस वाई, यही था 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आई है 2, y की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो ये हमारा यहाँ पे टू डिजिट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या आया है, 24 आया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स वो सीन इन फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में कितना, जो भी कैमल का झुंड था उसका 1/4 कहाँ देखा गया, फॉरेस्ट में देखा गया, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड हैड गोन टू माउंटेन्स, और जो टोटल था उसका स्क्वायर रूट करके अगर उसका ट्वाइस करेंगे तो उतने कैमल्स कहाँ चले गए, माउंटेन्स पे चले गए, एंड रिमेनिंग 15 वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और जो 15 बचे हुए थे वो कहाँ देखे गए ना, बैंक ऑफ रिवर पे देखे गए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर पता तो नहीं है, तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं ना, लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स, ठीक है, कैमल्स के जो टोटल कैमल्स है हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा फॉरेस्ट में कितने गए, फॉरेस्ट में कितने कैमल्स गए हैं, 1/4, तो 1/4 किसका, टोटल का ना, तो 1/4 ऑफ एक्स। फिर क्या बोला उसने, माउंटेन्स पे गए हैं, माउंटेन्स पे कितने गए हैं, पहले तो क्या बोला, ट्वाइस, फिर स्क्वायर रूट किसका, ऑफ द हर्ड, मतलब जो टोटल थे, टोटल कितने थे, x, तो ये हमारे पास इतने कहाँ चले गए, माउंटेन्स पे चले गए। नाउ नेक्स्ट वन इज, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे फिर, या रिमेनिंग बोले या हम क्या बोले, कहाँ गए वो, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, रिवर पे कितने गए ना, 15 गए हैं, ठीक है, रिवर पे 15 गए हैं। अब अगर बताएं हम कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, रूट एक्स प्लस 15, तो क्या हमें फिर से टोटल एक्स मिलेगा, क्योंकि ये ही तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स है ना, थोड़े इधर चले गए, थोड़े यहाँ आ गए, थोड़े यहाँ आ गए, और अगर फिर से सारों को जोड़ लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक्स है। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इक्वल एक्स, ठीक है ना, नाउ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इक्वल 4x, ठीक है, ये हुआ हमारे पास। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस 3x, क्योंकि 4x इधर आएगा, माइनस फोर एक्स में से प्लस एक्स आया, -3x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इक्वल 0, यही हुआ। चलो एक काम करते हैं, चलो माइनस कॉमन ले ही लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा ना हमारा, 3x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 60 इक्वल 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या अभी, नहीं दिख रही है ना, रूट एक्स है, मतलब एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रही, लेकिन हमें तो क्या सॉल्व करना है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, लेट एक्स इक्वल पी स्क्वायर, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ले ली मैंने पी, तुम्हें पी की जगह क्यू, वाई, कुछ भी ले सकते हो, टी,
कुछ भी ले सकते हो। तो x की जगह हमने क्या कंसीडर किया ना, p स्क्वायर कंसीडर किया। तो देखो ये हमारी इक्वेशन बनेगी कैसे, x की जगह रखो p स्क्वायर माइनस 8, रूट के अंदर p स्क्वायर रखेंगे बाहर क्या निकलेगा ना, p निकलेगा। तो ये p माइनस 60, ठीक है, ये हमारे पास हुआ। देखो तो अब बनी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई ना, तो क्या कर लो इसको सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 3p² माइनस 18p प्लस 10p, फैक्टराइज किया है मैंने, माइनस 60 इक्वल 0। कॉमन ले लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा ना 3p, क्या बचेगा p माइनस 6 प्लस, यहाँ से 10 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा p माइनस 6 इक्वल 0। पूरा p माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर 3p प्लस 10 इक्वल 0। तो एक बार p माइनस 6 इक्वल 0 और 3p प्लस 10 इक्वल 0। सो p इज इक्वल 6 एंड p इज इक्वल माइनस 10 बाय 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन कि इफ अगर हम p को क्या ले रहे हैं ना, माइनस 10 बाय 3 ले रहे हैं, तो x क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगी। x क्या है, p का स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 100/9, ये हमारे पास x की वैल्यू आई। और हमने x कंसीडर क्या किया है, x क्या है नंबर ऑफ कैमल्स, तो नंबर ऑफ कैमल्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, टोटल रहेंगे हमारे पास तो कि 30 40 50 जो भी रहेंगे हमारे पास टोटल, वो क्या रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स में रहेंगे, तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे ना, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर अपन लेते हैं इफ पी इज इक्वल कितना 6, ठीक है, पी कितना रहे हमारे पास 6 है, देन एक्स कितना हो जाएगा अगेन x इक्वल पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर कर देते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा ना 36 आएगा। तो देयरफोर जो हमारे पास नंबर ऑफ कैमल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैमल्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझना है, उसे पढ़ना है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरेटिकली उसको क्या करना है ना, आपको मैथमेटिकली एक इक्वेशन में बनाना है। जब तक क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक तुम इक्वेशन नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, समझना है, ठीक है, फिर उसको तुम्हें मैथमेटिकली लिखना है। तो इस तरीके से हमने जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।